जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भक्त ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जो लोग माता की सवारी बुलाना चाहते हैं तो इस मंत्र को एक बार बोल के छोड़ दो, 7 दिन के अंदर माता आने लगेगी आपके शरीर में। जी हाँ भक्तों, आप लोग जो भी सुन रहे हैं बिल्कुल सच है। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रही हूँ जो मंत्र मेरे गुरु का दिया हुआ है। यदि आप इस मंत्र के जरिए से माता की सवारी को बुलाना चाहते हैं तो माता पूरी तरीके से आपके ऊपर सवार हो जाएगी। लेकिन इस मंत्र का जाप आपको कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, सब कुछ बताऊँगी। सिर्फ आपको 1 हफ्ता यानी 7 दिन तक इस मंत्र को बोल के छोड़ देना है और 7 दिन का इंतज़ार आपको बैठ के करना है। 7 दिन का इंतज़ार करने के बाद 5वें-6वें दिन में ही माता आपके शरीर में सवार हो जाएगी और पूरी तरीके से माता की सवारी खेलने लगेगी। तो जो काली माता के भक्त माता को सवारी रूप में बुलाना चाहते हैं, ये वीडियो भी उन्हीं भक्तों के लिए होने वाली है। और कैसे कैसे माता आएगी सब कुछ मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगी। आपको क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लेना है ऑल पे सेट, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को सभी भक्तों तक पहुंचा देना, जितने भी काली माँ के सच्चे भक्त हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी इस मंत्र के बारे में पता चल पाए और वो भी माता की सवारी को अपने शरीर में बुला सकें। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहती हूँ भक्तों, एक चैनल और है, आप यूट्यूब पर जाओ, वहाँ पर आपको सर्च करना है हिंदी मोटिवेशनल ज्ञान 2.3, ठीक है, जहाँ पे अभी 38 सब्सक्राइबर अवेलेबल है। और वो चैनल आपको जाके सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि उस चैनल पे भी आपको हर देवी देवता भगवान से जुड़ा ज्ञान मिलता है। तो वहाँ अभी जाइए और जाके यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना और जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो आप वहाँ से भी आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे माता की सवारी को बुलाया जाता है। काली माता की सवारी को बुलाने के लिए लोग बहुत बड़ी पूजा पाठ, मंत्र जाप, गुरु धारण करवाना, मंदिरों में जाना, डेली दर्शन करना माता के, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके शरीर में सवारी नहीं आ पाती है। तो आज ये जो आपकी परेशानी दिक्कत है इसको दूर कर दूंगी, क्योंकि मंत्र जो देने जा रही हूँ ये महापावरफुल मंत्र है। केवल एक ही चीज़ में ये कार्य करता है, किस चीज़ में, माता की सवारी को बुलाने के लिए। अभी अगर आप काली माँ के भक्त हो, माता की सवारी को बुलाना चाहते हो, तो आप इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप और किसी देवी के भक्त हो, किसी और देवी का पूजन अपने घर में करते हो, मान्यता करते हो, उस देवी की सवारी भी अगर आप अपने शरीर में बुलाना चाहो तो इसी मंत्र के जरिए से बुला सकते हो। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको मंत्र दिखा रही हूँ, आप जल्दी से देख लो और इसे बुक में लिख लो, क्योंकि ये मंत्र आपके काम का होने वाला है। अगर सवारी चाहिए तो इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तो मंत्र सामने स्क्रीन पर पहले देख लो, ओम एन ह्रीन नमः, ठीक है, ये मंत्र है माँ काली का सवारी बुलाने का। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो छोटा सा मंत्र है, अरे ये छोटा सा मंत्र है लेकिन इसके कार्य आपने देखे नहीं है, कितना चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र से माता की सवारी को बुलाया जा सकता है। खुद मैंने एक व्यक्ति के ऊपर ये मंत्र अजमाया था, वो व्यक्ति माता काली की बहुत पूजा पाठ करता था, मंदिरों में डेली दर्शन करने भी जाता था, लेकिन उस व्यक्ति को सवारी चाहिए थी और सवारी ही नहीं आ रही थी। सब कुछ, माता के दर्शन भी हो रहे थे सपने में, माता उसके एक कहने से काम भी करती थी, सब कुछ होता था, लेकिन सवारी नहीं आ रही थी। तो यही दिक्कत उसको हो रही थी, तब मेरे गुरु ने ये मंत्र बताया। उसने इस मंत्र को 7 दिन तक कंटिन्यू जपा, ठीक है, और जैसे ही उसने जपा 7 दिन के अंदर अंदर एकदम से पूजा करते समय ही उसके शरीर में सवारी खेल गई। तो आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। आपको क्या करना है, इस मंत्र को बस इस तरीके से जपना है, जैसे देखिए आप रात्रि में सोते हैं, ठीक है, सोने से पहले आपको ये वाला मंत्र कितनी बार बोलना है, 7 बार बोलना है, ठीक है। और जब सुबह आप उठेंगे, उठ के आप जब स्नान करेंगे तो आपको स्नान नहीं करना है, जैसे ही आप अपने बेड से उठेंगे
उड़ते के साथ ही धरती माता को चूम के थोड़ी देर बैठ के इस मंत्र को फिर आपको 7 बार बोलना है, समझ गए। एक दिन में सुबह और रात को 2 समय इस मंत्र को बोलना है, 7 दिन तक लगातार। और आपको एक कार्य और करना पड़ेगा, इस मंत्र के नाम से 1 नींबू काट के आपको चौराहे पे रख के आना पड़ेगा। चौराहे पे रखो या कहीं भी घर से बाहर किसी जंगल में रख दो, कहीं भी रख दो, 1 नींबू इस मंत्र के नाम से काट के रखना पड़ेगा। मतलब ये होगा कि जो भी आपके सवारी बुलाने में कोई भी अगर अड़चन है, रुकावट है, या आपके घर के देवी देवता या आपकी माँ काली की सवारी को रोक रहे हों, आने ना दे रहे हों, तो उससे आपको मतलब राहत मिल जाएगी। वो आपके देवी देवता कोई अड़चन नहीं करेगा बीच में, डायरेक्ट माता की सवारी आने लगेगी। उसके बाद जो भी बात करना चाहते हो कर सकते हो, जो भी काम कराना चाहते हो हर काम होंगे, तो सवारी बुलाने के लिए इसी मंत्र का आप इस्तेमाल कर लो। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव, माता आपकी मनोकामना पूरी।